इंसान की आदत बदल सकती है, फितरत नहीं। ईमानदार जज के बहुत दुश्मन होते। दोस्तों, जुलाई 1997 को बोबी देओल की फिल्म गुप्त तो आपको याद ही होगी। ये फिल्म अपने ज़माने की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी, जिसे लोगों ने काफ़ी प्यार दिया था। लेकिन अब गुप्त 2 को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। जी हाँ, खबर आ रही है कि बहुत जल्द गुप्त मूवी का सीक्वल बनने जा रहा है और इस फिल्म को बनाने की तैयारियाँ चल रही हैं और मेकर्स ने गुप्त 2 मूवी की अनाउंसमेंट भी कर दी है। और अब की बारी से फिर से गुप्त 1 के डायरेक्टर राजीव राय ही डायरेक्ट करने वाले हैं। लेकिन अब की बार फिल्म कुछ अलग अंदाज से बनाई जाएगी और इस फिल्म में नेक्स्ट लेवल का VFX और एक्शन देखने को मिलने वाला है। और मेकर्स ने यह भी बताया कि वो गुप्त 2 को बनाने के लिए काफी लंबे समय से सोच रहे थे। उसे एक अच्छी सी स्टोरी की तलाश थी और अब उनके पास बहुत ही अच्छी स्टोरी है और इस स्टोरी पर काम भी चल रहा है और इसके बाद स्क्रिप्ट भी तैयार कर ली जाएगी। और जैसा कि आपको पता है कि बॉबी देओल अभी अपनी आने वाली मोस्ट अवेटेड मूवी एनिमल की शूटिंग में बिजी है, जो कि लगभग कंप्लीट होने वाली है। और एनिमल मूवी 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है और खबरें हैं कि इसके बाद काफी चांसेस हैं कि गुप्त 2 की भी शूटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बॉबी देओल अभी अपनी एक दो और फिल्मों की शूटिंग में भी बिजी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले सोल्जर 2 को बनाने की भी खबरें चल रही थी। इसलिए हो सकता है कि अभी गुप्त 2 पर काम शुरू ना करें, लेकिन फिर भी अगर बॉबी देओल इस फिल्म की शूटिंग शुरू करते हैं तो इस फिल्म की शूटिंग 2024 में स्टार्ट होगी और फिर ये फिल्म हमें 2025 के शुरू में देखने को मिल सकती है। और खबर है कि बॉबी देओल ही इस फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे और पहले की तरह काजल भी इस फिल्म में नजर आएंगी, लेकिन विलन के रोल में नहीं बल्कि हीरोइन के रोल में। लेकिन दोस्तों, अभी इस फिल्म के लिए हमें 1.5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं गुप्त 2 को लेकर, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।